केवल हमारे गौड़ीय संप्रदाय का लोग यहाँ आते हैं। बोले कारण किया, बोले कारण ही जो रस जो दो तरह का, एक स्वकिया और एक परकिया, इसलिए जो परकिया रस है ये केवल हमारे गोस्वामी लोगों ने ही इसको स्वीकार किया है, इसलिए और दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग इस चीज को स्वीकार नहीं किया, इसलिए स्थान बड़ा दुर्लभ स्थान है, केवल हमारे संप्रदाय का लोग ही यहाँ पर आते हैं। इसलिए परकिया मतलब होता है बगर साजी के जो प्रेम है, बगर साजी के जो प्रेम, उसको परकिया कहते हैं। इसलिए लेकिन आप बोलोगे तो बड़ा घृणित चीज है, हमारी संस्कृति क्या कहता है, शादी को बाद में ही पति पत्नी दोनों को मिलनी चाहिए, बगैर शादी के मिलेंगे तो घृणित है, हैं? लेकिन तत्वतः राधा कृष्ण जो दोनों हैं गोलोक वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, नित्य विहार करते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर बताया, जैसे ही आप दिल्ली में रहते हो आपका शादी हो गया, लेकिन जो पति का ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, बम्बे में, हैं? जब बम्बे में जाओगे फिर दोबारा क्या शादी करोगे, वहाँ से जब ट्रांसफर होकर आप फिर चले जाओगे कलकत्ता, फिर क्या दोबारा शादी करोगे, एक बार शादी हो गया मतलब शादी हो गई है, सब जगह में जाकर के शादी करने का जरूरत नहीं। इसलिए जो राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपना नित्य विहार करते हैं, हैं? लेकिन इसी जगत में जब आते हैं यदि ये परकिया रस का आस्वादन करते हैं, कारण है शादी होने पर जो प्रेम है वो धीरे 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 वो प्रेम घटती रहती है, वो प्रेम धीरे धीरे वो घटती रहती है ये प्रेम। लेकिन आप देखना पति पत्नी, पत्नी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी है, बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, लेकिन देखना और किसी लड़की से जब प्रेम हो जाती है ना, भले ही काली कुलठी दांत निकली हुई हो, आप देखना उसको भी इतना प्रेम हो जाता है अपना पत्नी को भी वो छोड़ देता है। बोले क्यों, बोले जो चीज दुर्लभ से आपको मिलता है ना वो चीज को हम महत्व देते हैं। इसलिए वो सकिया जो मतलब होता है जो शादी करके जो प्रेम है, इसलिए जो परकिया मतलब है देखने में लगता है दूसरे पत्नी, लेकिन नहीं दूसरे नहीं, वो अपना ही है, वो अपना ही है। इसलिए इस स्थान का नाम है जापट, जापट मतलब जापक। यहीं पर एक दिन कृष्णचंद्र यहाँ पर विशाल एक बटवृक्ष था, यहाँ खड़े होकर उन्होंने सुंदर उन्होंने बंसी ध्वनि की, बंसी ध्वनि सुनते ही ब्रज गोपियां सब के सब यहाँ पर भागते भागते आए, राधा रानी भी यहाँ पर आई। इतने में राधा रानी ने देखा, राधा रानी कृष्ण ने देखा राधा रानी का सब श्रृंगार है, लेकिन केवल एक श्रृंगार बाकी है, उनके चरण में अभी मेहंदी व आलता नहीं है। पहले सबके सब आलता अपना प्यार में जो शादी शुदा किए हैं वो सबके सब आलता पहनते थे। तब कृष्ण ने यहाँ पर एक वृक्ष जिसका नाम था जापक, वो पेड़ का पत्ते को लेकर रगड़ो ना उससे जो जूस निकलता है वो आलता जैसे मेहंदी जैसे, कृष्ण ने यहीं पर उन्होंने राधा रानी के चरण में वो जापक रस को उन्होंने लगा दिया था, कभी उन्होंने अपना हृदय में भी धारण किया है, इसलिए स्थान का नाम जापट व ये स्थान का नाम जाबक है। कहते यहीं पर अभी राधा कृष्ण की शादी की बात चल रही है, बात कर करी पक्की हो गई राधा कृष्ण दोनों शादी करने वाले। इतने में जोग माया ने देखा अगर इनकी शादी हो जाएगी, वो तो गोलोक वृंदावन नित्य नित्य प्रिया प्रियतम है, अगर शादी हो जाएगी ना कि जो परकिया रस है खत्म हो जाएगी, फिर ये सखिया रस हो जाएगी, फिर तो एक द्वारका मथुरा हो जाएगा। ये द्वारका मथुरा में जैसे शादी करके कृष्ण अपना रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी के साथ में रहते थे, फिर ये चीज हो जाएगी, लेकिन इनका जो मिलन में जो उत्कंठा खत्म हो जाएगी। इसलिए इतने में जोग माया ने किया कि पूर्णवासी जोग माया इस सारे प्रभु की लीला को यही पुष्टि करने वाले, उसने आकर के उन्होंने बोल दिया किसको, वृषभानु महाराज को, देखो तुम्हारी जो बेटी है ना ये मांगली है, ये बेटी तुम्हारी मांगली, लड़का मांगली होनी चाहिए, नहीं तो शादी करा दिया फिर क्या होता है बता, बाद में फिर लड़ाई झगड़ा होकर फिर अलग हो जाते हैं। इसलिए जब ऐसे बोल दिया बोले क्या करनी चाहिए, बोले देखो यहाँ पर ये जापट एक गाँव है, वहाँ पर एक आयना घोष नाम का एक लड़का है, बड़ा सुंदर लड़का है, बड़ा प्यारा लड़का है, आप उसी लड़के को साथ में अपने बेटी को शादी दिला दो। अभी जब ये बात फिर फैल गया, अभी राधा रानी को साथ में कृष्ण की शादी नहीं, ये किसी आयना घोष को साथ में होने जा रही है, जब राधा कृष्ण दोनों रात में मिले, राधा रानी पूछे श्याम सुंदर में ये क्या सुन रही हूँ, ये आपको साथ में मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण ने कहा देखो हम तो नित्य गोलोक वृंदावन में विद्यमान है, ये लीला कर रहे हैं, जिस आयना घोष का नाम सुन रहे हो वो और कोई नहीं मैं हूँ, कृष्ण ही और एक रूप धारण किया, वो आयना घोष रूप धारण किया, बोले वो और कोई नहीं वो मैं हूँ, मेरा एक प्रकाश है, देखो जब शादी होगी ना वो मेरे मामा लगते हैं, इसलिए मैं उनका गोद में बैठ जाऊंगा,
जब गोद में बैठ जाऊंगा, देखना शादी का समय में कहते ना कि कन्या को हम दान दे रहे हैं, इसको ग्रहण करो, बाढ़ो बाढ़ो, मतलब बेटा कहता है मैं कन्या की पानी ग्रहण कर रहा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा उसकी गोद में, मैं बैठ जाऊंगा। बैठ करके जब वो मंत्र पढ़ा जाएगा, स्वीकार कर रहा मैं बोलता रहूंगा बाढ़ो बाढ़ो, मतलब ये कन्या को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। और जब तुम माला पहनाओगे ना, मैं तो गोद में बैठा रहूंगा, इसलिए एक काम करना, माला को तुम मेरे गले में पहना देना, मेरे गले में माला पहना देना। उन्होंने ठीक, उन्होंने गला पहन के माला, किसको, कृष्ण के गला में माला पहन लिया। सब लोग हंसी तिलक से चीज को कोई समझ नहीं पाए, लेकिन असली शादी किससे हो गया, कृष्ण से शादी हो गई। और श्री वृषभानंद महाराज यहीं पर उन्होंने सुंदर राजमहल बनाए, अपूर्व अद्भुत उन्होंने राजमहल बनाए। वर्णना करते हैं इतने सुंदर, उसमें कोयल पपीहा, उसमें मयूर बनाए। जब मयूर जाता था ना, वो सोचता था सचमुच कोई मयूर है, वो आकर मुंह में चूमा खाता था। आकाश में जब कोई हंस उड़ते हुए जाए, इतने सुंदर हंस बनाए हुए, लगता था सचमुच से। देखो अभी अभी का देखो कारीगर लोग कितना सुंदर बनाते, और उसी समय में फिर क्या नहीं होगा उस समय में। अद्भुत यहीं पर राधा रानी के लिए उन्होंने राजमहल बनाए, और यहीं पर श्री राधा रानी यहीं पर रहा करती थी अपना सखियों के साथ में। इसलिए कल हम लोग एक भजन वहां पर गाते थे, वो कहते हैं वृषभानु पूरे जनम लईबा जाबटे विवाहावे, ब्रज गोपी भाव हाइवे स्वभाव आन भाव नारहे। एक चीज अच्छी तरह समझो, कहते वृषभ प्रार्थना करते प्रभु कब ऐसे दिन हो जो हमारी जन्म कहाँ पर हो, बरसाना हो। बोले भैया बरसाना में कौन जन्म लेंगे, साधारण जीव जन्म नहीं ले सकते हैं, जिनको स्वरूप सिद्धि हो गई। स्वरूप सिद्धि मतलब क्या होता है, हम भजन करते 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 हृदय से जब अनर्थ नष्ट खत्म हो जाए, फिर अनर्थ बात में से रुचि, फिर निष्ठा, जब वो भावावस्था में आता है ना, उसी समय में ये स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि मतलब है हम हर जीव के अंदर में कृष्ण सेवा करने का एक भावना विद्यमान है, लेकिन जिनकी भावना गोपी भाव से है, जब उनको स्वरूप सिद्धि को बाद में, स्वरूप सिद्धि मतलब अपना स्वरूप प्रकाश होने का बाद में, उस देखो एक जीवन में कृष्ण भगवत प्राप्त नहीं होता है, फिर जोग माया उसको लेकर क्या करती है, जिनकी गोपी भाव से जिनकी भावना है उनको लेकर के जन्म देती है, प्रकट ब्रज में जन्म दे देती है, जहाँ पर कृष्ण प्रकट ब्रज में जहाँ लीला कर रहे हैं। इसलिए भैया जन्म कहाँ होगा, बोले बरसाना में हमें जन्म लेंगे। बोले किस रूप में, बोले राधा रानी की दासी रूप में हमारी जन्म होगी, लेकिन हमारी विवाह शादी कब होगी कहाँ, यही। इसलिए बरसाना का जितनी गोपी का शादी यही, ललिता विशाखा चंपक लता जितना शादी है ना, सबके सब शादी उनको यही हुई, जितने रूपम मंजरी रति मंजरी शादी इसी गाँव में हुई, और ये सबके सब श्री राधा रानी के अनुगत्य में है, श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। इसलिए यहीं पर उनकी शादी होती है, और यहीं पर शादी होकर के इसी गांव में सब मंजरी सखियां इसी गांव में आकर के श्री राधा रानी की चरण की ये सब के सब यहीं पर सेवा करते हैं। यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर कथाएं, बड़े बड़े सुंदर, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ में उन्होंने वर्णना किया है। अभी राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई इतने में मैया जसोदा क्या करती थी, मैया जसोदा राधा रानी रहती थी कहाँ पर, जाबट में। कृष्ण कहाँ रहते थे, नंदगांव में। अभी हम नंदगांव में जाएंगे। अभी इतने में बोले एक समय राधा रानी को वरदान मिला दुर्वासा ऋषि की, वो जो कुछ खाना बनाए वो अमृत हंसता है, जो कुछ बनाए वो अमृत बनेगी, और उसका हाथ का खाना कोई खाए ना वो दीर्घायु होता है, कोई बीमारी नहीं पड़ेगा, और शरीर में बड़ा पुष्ट होता है। इसलिए यहीं से ही श्री मैया जसोदा ये जो जटिला और कुटिला को, इसका पिता सास ससुर का नाम क्या है, जटिला और कुटिला। जटिला कुटिला मतलब क्या, जटिला मतलब होता है जट बगाना, कुटिला मतलब कुट 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 करना है। इसलिए जोग माया ने इसे प्रकट किया, अभिमन्यु, जो पति का नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु मतलब क्या, वृथा अभिमान है, हम राधा रानी का पति वृथा अभिमान है। जान बुझ कर ये जोग माया ने, क्यों, जो वस्तु आसानी से मिलता है ना वो चीज को हम कोई महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जो चीज कोई दुर्लभ वस्तु हो ना फिर तो उसको हम महत्व देते हैं। भैया हम गए चार धाम, गए गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ घूम करके आए, लेकिन वृंदावन के पास में जमुना बह रहे नहीं है, वृंदावन गंगा घर के पास में होगा लेकिन वहां नहीं नहाएंगे, जहाँ कीचड़ में जाके नहा रहे, अरे हम इतना दूर तो गए थे। इसलिए ये जोग माया ने
ये जान बुझ करके जटिला कुटिला हर समय कहाँ गई थी, क्या बात है, इतना देर क्यों हो गई। अगर राधा कृष्ण का मिलन आसानी से हो जाए ना, सर तो उस चीज को महत्व नहीं देंगे। इसीलिए क्या करें, इसने जटिला कुटिला और उसको नाम अभिमन नाम दिया है। वो यहीं पर रहती थी और मैया बड़ी लोभी थी। मैया जसोदा तरह तरह का उन्होंने उनको वस्तु का उनको दान दे करके लोभ दिखा करके राधा रानी को यहीं से ले जाया करते थे, कहाँ, नंद भवन में। एक समय क्या हुआ, श्री मैया जसोदा बड़े सुंदर, उन्होंने एक सुंदर बक्स था, वो बक्स को राधा मैया जसोदा सजा रही थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात बड़े सुंदर कपड़े से उनको सजा रही थी। इतने में कन्हैया आई, बोले मैया मैया ये क्या कर रही हो। बोले राधा रानी के लिए है, राधा रानी के लिए मैं सुंदर बक्से में कपड़ा और हीरे जवाहरात सजा रहा हूँ। जब वो सजा करके चली गई ना, इतने में कृष्ण श्रीदाम को लेकर के आए और जितने उसमें कपड़ा सोने चांदी था उनने कपड़ा में बांध करके उन्होंने बोले तुम लेकर पहुंचा देना जावट में, और कृष्ण बक्स में अंदर कृष्ण खुद बैठ गए, ऊपर से बंद कर दो, ताला बंद कर दो। अभी मैया जसोदा ने देखा बड़ी कीमती कीमती कपड़ा हीरे जवाहरात, भैया इतने कीमती चीज किसी विश्वस्त व्यक्ति को हाथ में भेजनी चाहिए। बोले जो राधा रानी का जो पति को बुला करके उसको मैं उसको हाथ में भेज दूंगा। तो उन्होंने उसको बुलाया, बोले देख इसके अंदर में बड़े सुंदर सुंदर कपड़े गहना है, मैं चाहता हूँ कोई विश्वस्त व्यक्ति इसको लेकर के जाए, तुम इसको लेकर के राधा रानी को जो अंदर महल है ना वो अंदर महल में जाकर के दे देना, बोले राधा रानी के लिए। बस उसने उठाया बक्स को, अंदर में कौन बैठे हुए, कृष्ण बैठे हुए, कितना भोजन होगा बताओगा। वो तो सोच रहा है भैया माला ही माल इसके अंदर में है, हीरे जवाहरात माला ही माल है। जब वो सर पर लेकर आ रहा था ना, सारा रास्ता में वो नाचते कूदते हुए आ रहा था है, बोले क्यों, बोले उसके अंदर में बैठा हुआ कौन है, आनंद कंद भगवान कृष्ण स्वयं बैठे हुए। और जिसको सर के ऊपर में भगवान को कोई अगर लेकर के आएगा आनंद होगा कि नहीं, इतना प्रसन्न इतने प्रसन्न हो रहा था। और वो बक्स को लेकर जब यहीं पर आए, जब यहाँ पर प्रवेश किया ना, इतने में राधा रानी का जो बाम अंग फड़कना शुरू किया, उनकी बाम नेत्र फड़कना शुरू किया, बाम पैर फड़कना शुरू किया, कहती ये स्त्रियों के लिए अच्छा शगुन है। राधा रानी सोच रही है भैया आज ये जो चिन्ह मेरे शरीर में दिखाई पड़ता है, जब मैं कृष्ण से मिलता हूँ ना तभी ये चिन्ह मेरे शरीर में दिखता है, लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण से मिलने का कोई सवाल है ही नहीं, ये सब चिन्ह क्यों दिख रहा है। इतने में अभिमन्यु ने देखो इसको मैया जसोदा ने दिया, इसको इसको अंदर में ले जा, अंदर में लेकर के इसके अंदर बड़ी कीमती कीमती हीरे जवाहरात और कपड़े उसमें, और मैया जसोदा बोले इसके अंदर में इतने कीमती चीज है स्वर्ग में, जो इंद्राणी के लिए भी जो दुर्लभ है, है? इंद्राणी के लिए जो दुर्लभ है, देख लो उसको पीछे पीछे देख लो, इसलिए इंद्राणी के लिए जो दुर्लभ उसके अंदर में ये दुर्लभ गहना है। जब अंदर में लेकर गए और उसके अंदर में कोई नहीं, सखी मंजरिया, जब उन्होंने बक्सा को खिलाया ना, बक्से में कौन बैठा हुआ था, कृष्ण ही बैठी हुई थी। इतने में कृष्ण प्रकट हुए, बोले श्री कृष्ण के नया लाल की। फिर तो अंदर में राधा कृष्ण की जुगल मिलन हुई, राधा कृष्ण दोनों यहीं पर उन्होंने मिले हैं। और यहीं पर उन्होंने एक समय जटिला कुटिला राधा रानी और सखियों को बोले देखो हम बहुत दूर में जा रहे हैं, आने में देरी होगी किसी दूसरे गांव में, तुम सावधान रहना, कभी कभी कृष्णा अपना सखाओं को साथ में आते हैं और मक्खन मिश्री खा जाते हैं, इसी तरह सावधान रहना। बोले कोई चिंता मत करो। अभी जब सखी मंजीरियों को पता चला अभी गए बड़े दूर तक, आने में शाम हो जाएगी, बस इस सुजोग मिल गया, बोले जल्दी जल्दी कृष्ण को खबर दे दो, कृष्ण इधर आ जाए। और कृष्ण को खबर दे दिया, कृष्ण आ गए। जब कृष्ण आ गए इतने में राधा कृष्ण दोनों मिल रहे थे, मिलते समय उनको जा रहे थे हठात रास्ता से वापस आ गए, कोई बात याद आ गई तो कोई चीज की, झटात उन्होंने वापस आ गए। जब हठात वापस आ गए देखा राधा कृष्ण दोनों मिल रहे, इसको देख करके तो जटिला कुटिला इतना क्रोधित बोली, बोले तू ऐसे ऐसे काम करती हो, जब हम बाहर चली जाती हैं कृष्ण को बुला कर यही काम कर रहे तुम हैं, इतने तुम दुष्ट हो। अभी ललिता अब सखी कभी कभी दूसरे दूसरे बहाना बना देते थे, लेकिन अभी तो पूरा के पूरा रंगे हाथों से पकड़े गए हैं, अभी क्या बोले, कोई उपाय नहीं, क्या बहाना बनाए। देखो यहाँ पर देखो कृष्ण कैसे है को नहीं और नहीं को कैसे है कर सकते हैं। इतने में कृष्ण कैसे बात को बदला दिया, बोले तू क्यों क्रोध कर रहे हो, क्या बात है, बोले तू क्या कर रहे, मेरे बहू से क्यों मिल रही थी,
शादी नहीं हुई ना, तुझे मेरे बहू से क्यों मिल रहे थे? बोले बहू से थोड़ी मिल रहे थे, बोले क्या कर रहा था? बोले मैंने तेरे घर में मक्खन चोरी नहीं की, मक्खन खाया नहीं, लेकिन तेरी बहू नहीं मान रही है, मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं नहीं मान रही है, वो जोर जबरदस्ती तो बहू मेरे ऊपर मैं लांछना लगा रही है, हमारी घर की तुमने मक्खन खाई। मैंने कहा अगर मक्खन खाया तो मुंह से तो खाया। बोले हाँ। बोले तू मेरे मुंह को सूंघ कर देख ले, तू मेरे मुंह को सूंघ करके देख ले अगर मक्खन खाया तो मुंह से सुगंध आएगा कि नहीं। इसलिए तेरी बहू जोर जबरदस्ती मेरे मुंह को सूंघ रही थी, सचमुच से मक्खन खाया कि नहीं। अब समझ गए ना, झट ये बात ना संपूर्ण उल्टा हो गया, संपूर्ण ही बात उल्टा हो गया है। इसलिए ये लीला यहीं पर भगवान ने, ये लीला भी कृष्ण यहीं पर किए हैं। एक दिन क्या हुआ, जटिला कुटिला को पता चला मेरी जो बहू है ना, ये जाकर कृष्ण को साथ में के छुप छुप कर मिलती है। इतने में जटिला कुटिला बोले खबरदार तो मेरी घर की बहू हो, तेरे को घर से बाहर निकलने का जरूरत नहीं, इसलिए लोग बड़े लांछना लगाते हैं, लगता है तो कृष्ण के साथ में घूमते रहती हो, जाने का जरूरत है तो मेरी घर की बहू, जरूरत नहीं रोसोई बनाने के लिए नंद भवन में जाने का, यहीं पर घर में रहो। उनको जोर जबरदस्ती उनको जाने नहीं दिया। अभी राधा रानी इतने दुखी हो गई, क्योंकि राधा रानी के लड्डू बनाते थे जिसका नाम है मोहन लड्डू। जब तक कृष्ण लड्डू नहीं खाए ना, कृष्ण का पेट नहीं भरता है, हैं? यहीं पर राधा रानी वो लड्डू बनाया करती थी, और यहीं पर बैठ करके जब वो लड्डू बनाती थी नंद भवन में, अभी जब कृष्ण की खाना ही बंद हो गया, राधा रानी के हाथ के बगैर इनका पेट नहीं भरता कृष्ण का, अभी कृष्ण इतने भूखे, अभी अभी राधा रानी भी कृष्ण विरह में बड़ी दुखी। इतने में राधा रानी ललिता को बोले देखो मैं एक नाटक करूंगी। बोले नाटक ये करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को कि काला सांप ने काट दिया है, और मैं छटपट छटपट करने लगूंगी। और इतने में जा करके जो पौर्णमासी जोग माया वो सारे मंत्र जादू जानती है, वही आ करके व्यवस्था करती है कैसे ये जहर कैसे उतरे। इतने में राधा रानी यहाँ पर गई पुष्प चयन करने के लिए, और उसने के बहाना बनाया मेरे को काला सांप ने काट दिया, और राधा रानी तो छटपट छटपट करने लग गई, नीचे गिर करके काला सांप काट दिया, काला सांप काट दिया, मैं तो मर जाऊंगी, अभी क्या करना पड़ेगा, किसी ओझा को बुलाएंगे। गए पौर्णमासी के पास में, इतने में कृष्ण ने क्या किया, जो मंत्र मंत्र को जरा जो ओझा जो मंत्र उतार जहर उतारते, कृष्ण जाकर उसके घर में अपना बेस को बदला करके ना उसको घर में बैठ गए, और किसी रूप में उनकी बेटी रूप में जब गए जोगमाया को बोले, बोले मेरी मथुरा से मेरी बेटी आई है, वो सांप की जहर उतारने का मंत्र जानता है, तुम इसको ले जाओ। लेकिन वो कौन थी, वो कृष्ण स्वयं थी। इतने में कृष्ण को लेकर के आए, जब कृष्ण को लेकर के आए बोले देखो एक काम करता हूँ, ये सर्प कहाँ रहता है, शंकर जी के गले में ये सर्प रहता है, ये सर्प ने तुम्हारी बहू को क्यों काटा, अभी मैं इसको प्रश्न करना चाहता हूँ, एक काम करो हम दोनों को, तुम ये काम कर दरवाजा बंद करके अंदर में रखो, अभी मैं शंकर जी को बुलाऊंगा, पूछूंगा क्यों उसको सर्प ने आकर के तेरी बहू को काटा। अभी कृष्ण अंदर में चले गई, जा करके दो उनने टोन किया, टोन को बदला करके इतने बोले हे भोले बाबा, दूसरा आवाज शंकर जी बड़े गंभीर आवाज आया, बोले क्या बोलना चाहते हो, बोले ये बताओ ये तो सांप तुम्हारी गले में रहता है, फिर तुमने ये सर्प को क्यों भेजा जटिला कुटिला बहू को काटने के लिए। फिर गंभीर आवाज बोले इसलिए मैंने भेजा, मेरे प्रभु कृष्ण हैं और ये अपना बहू को कृष्ण की खाना बनाने के लिए भेज नहीं रही है, और मेरे जो प्रभु कृष्ण अभी भूखे हैं, इसलिए मैंने क्रोधित होकर के मैंने ये सर्प को भेजा। बोले तुमने ये सर्प उसको बहू को क्यों काटे, बोले बहू को नहीं इनका पूरा वंश मैं खत्म कर दूंगा। दूसरा आवाज आ रही है, मैं इनका वंश खत्म कर दूंगा, इसलिए पहले बहू को काटा, जैसे इसका दुखी में ये दुखी हो, बहू को फिर बेटे को फिर सास ननंद पूरा वंश मैं खत्म कर दूंगा। मेरे प्रभु भूखे में बैठे हुए अपना बहू को नहीं भेज रही है नंद भवन में रोसोई बनाने के लिए, सबके सब बाहर सब सुन रहे थे। इतने में जटिला कुटिला ने जब ये बात को सुने ना, रोने लग गए, बोले शंकर जी हमारे अपराध को माफ कर दो, हमने कभी अपना बहुओं को मना नहीं करके जाने के लिए, आज से मैंने छुट्टी दे दिया, जब इच्छा तब जाए, जो इच्छा सो कुछ करे, हैं? मैंने उनका आदेश दे दूंगा। जब उन्होंने ये बोले ना, फिर शंकर जी की आवाज आई, बोले ठीक है अभी मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अभी मैं मंत्र के द्वारा इसकी बहू की बीस को मैं उतार दूंगा, हैं? मैं संतुष्ट हो गया हूँ। इतने में
कृष्ण आए, बोले देखा सुन लिया शंकर जी ने क्या बोला, बोले माफ कर दो मेरे बहू के जो जो जहर है उसको उतार दो। बोले एक काम करो, अभी सबसे पहले उसको 20 उतारने का जो मंत्र है, पहले जो ओझा होता है ना जो मंत्र, उसका पहले मुख का तांबुल उसको खिलाना पड़ता है, पान खिलाना पड़ता है कृष्ण को। ये जो आया वो कृष्ण स्वयं, और वो राधा रानी कृष्ण भी रहे में दुखी, फिर इनका मुंह का जो तांबुल उन्होंने श्री राधा रानी को दिया, बस बस राधा रानी तो प्रसन्न हो गई, कृष्ण की अधरामृत पा करके। फिर कृष्ण झूठ मूठ का बना करके उन्होंने मंत्र से उन्होंने झाड़ा लगाया, झाड़ा लगा कर कहा देखो कभी कभी 20 तो उतर जाती है लेकिन कभी 20 चढ़ भी जाती है। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले देखो एक रात तेरी बहू को साथ में मेरे रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी अगर मंत्र से कभी अगर 20 अगर कभी चढ़ जाए तो हमारा इसलिए रहना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, मेरी बहू को अच्छे तरह से सारे बहू को अच्छे तरह से सारे मंत्र को सारे 20 को उतार करके जाया करो। फिर यहीं पर राधा कृष्ण के मिलन हुए है। राधा कृष्ण देखो इस कारण क्या है, राधा कृष्ण तो हर समय रहते हैं। आप देखना इसी संसार में जैसे पति पत्नी रह रहे हैं, मानो अंदर में कोई लड़ाई हुई, ठंडपन हो गई, 10 दिन तक बात ही नहीं किया दोनों पति पत्नी, 10 दिन तक बात नहीं किया। देखना 10 दिन बाद में जो बात करते हैं ना उसमें एक नया आनंद आता है, आता कि नहीं नया आनंद, कौन बोलेगा बोलो, आनंद आता है कि नहीं। उसी तरह क्योंकि जो प्रेम है ना, अगर जो चीज आसानी से मिलती है, इसलिए मतलब तीन जो चीज है पर क्या रस की, एक होता है दुर्लभता, जो वस्तु दुर्लभ मिले, और एक होता है निवारण था। निवारण मतलब है जैसे पति पत्नी से मिलना चाहते, पत्नी बोले नहीं, मुंह मोड़ देती है, बात नहीं करती है। देखना उसमें ज्यादा मिले, जो चीज आसानी से मिल जाए ना वो चीज को महत्व नहीं देते हैं। दुर्लभता और एक है निवारणता और एक है प्रचरण कामकता। कामकता मतलब जो प्रेम को जो छुपा करके अंदर रखते हैं। ये जो तीन चीज ना, ये परकिया रस को वो तीन चीज बड़े अच्छे रूप में पुष्ट करता है। इसलिए जोग माया ने किया कि उनको यहीं पर शादी करवाया, वो और कोई नहीं, उस जिस समय शादी किया ना तब से वो जो आईना घोष था वो हो गया हिजड़ा। क्या हो गया, वो हिजड़ा था, वो हो गया हिजड़ा, उसके अंदर पुरुषत्व नहीं रहा। और वो जाकर के जंगल में गैया को चराता था, कंडा बीनता था, और राधा रानी से कभी मिलता नहीं था। क्यों, केवल ये परकिया रस के लिए। इसलिए ये स्थान को केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग आते हैं, यहाँ पर और कोई आते नहीं। यहीं पर श्री ललिता सखी, यहीं पर उन्होंने कांटा बिछवा करके हैं, उसमें कांटा कीचड़ करके राधा रानी के आंखों में काला पट्टी बांध करके यहीं पर उनको चलाना सिखाया करता था। देखो राधे, जब श्याम सुंदर से अंधकार रात में तुम मिलने जाओगे कैसे, यहाँ पर प्रैक्टिस करो। इसलिए यहीं पर उनको चलाया करती थी। इसलिए ललिता सखी जो स्थान है, राधा रानी यहीं पर रही, ललिता विशाखा यहीं पर रहे, सारे सखी मंजरियों का यहाँ पर स्थान है। इसलिए यहाँ पर बैठे हैं ना, ये भूमि साधारण नहीं, ये राधा रानी का आंगन है। क्या है, राधा रानी की आंगन में तुम लोग बैठे हो। इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करो, हे राधे कब हमारा ऐसे सौभाग्य हो जो कि तुम हम बरसाना में जन्म हो, यहीं पर हमारी शादी हो, और तुम्हारी अनुगत्य में हम श्याम सुंदर की सेवा करने का हमें कब सौभाग्य मिलेगा। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करो, प्रणाम करो और लगा करके चलो, हम अभी जाएंगे।